आज हम बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, जिसको हम बिना क्रीम के बनाएंगे। यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच मैदा, इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। इसमें धीरे धीरे पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए, जिससे कि इसमें लम्स ना बने। यहाँ पे 2 कप दूध लिया है। अब इसमें 1/3 कप चीनी डालेंगे। दूध को तब तक चलाते रहिए जब तक इसमें एक बार उबाल ना आ जाए। अब गैस को धीमी कर दीजिए और हमने जो मैदे का मिक्सचर बनाया था वो इसमें डाल दीजिए। अब इसको धीमी आंच पर पकाना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। हमें लगभग इतना गाढ़ा करना है। अब इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब इसको मिक्सर में डालेंगे और 1 कप मैंगो प्यूरी ऐड करेंगे। इसको मिक्सर में अच्छे से चलाने के बाद 1 कंटेनर में डाल दीजिए। अब इसको अच्छे से कवर करके 4 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। जब आइसक्रीम 4 घंटे के बाद थोड़ा सेट हो जाए, फिर इसको मिक्सर जार में चला लीजिए। अब इसको वापस कंटेनर में डाल दीजिए और इसको 8 से 10 घंटे के लिए या पूरी रात के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। मैंगो आइसक्रीम बनकर एकदम तैयार है। अगर आप चाहें तो पिस्ते से इसे गार्निश भी कर सकते हैं।